भाई का गाड़ी है बंगाल नंबर, देखिए कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, एकदम पूरा खत्म हो गया है मेरा पूरा गाड़ी, एकदम खत्म हो गया भाई का, पूरा एकदम खत्म हो गया। भाई का गाड़ी स्टार्ट कर दिया हम लोग अपना गाड़ी से टान के। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो पिछले ट्रिप में आप लोग ने देखा था कि हम लोग जमुई से खाली करके आए थे, और आज हमारा गाड़ी फिर से लोडिंग होके आया। अभी 6 बजा हुआ है और देखिए आधा मेरा गाड़ी अभी लोड है, तो अभी पूरा लोडिंग करने के लिए जा रहे थे। तो इस वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपना प्यार दिखाइए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी दबा के कीजिए। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। फिलहाल हम नागवान टूल प्लाजा के पास है और अभी अपने गाड़ी में बैगन भी लोडिंग होने वाला है, तो अभी बैगन लोडिंग कराने के लिए हम और गोलू जा रहे हैं। अभी हम नागवान टूल से आगे आए और हम लोग को फिर जाना है लोडिंग के लिए झुलझुल पहाड़ी से थोड़ा पीछे जाएंगे आज, जहाँ की हमारा बैगन भर के कम्प्लीट है। और गोलू पहुँचा हुआ है जहाँ की बैगन भर के कम्प्लीट है वहाँ, और सुधीर भैया गए थे बाकी का माल लोडिंग करवाने के लिए, तभी हम गाड़ी लेके जा रहे हैं यहाँ से। और वहाँ पर भोलू भी है साथ में, तो दोनों जन मिलकर लोडिंग कर लेंगे और फिर निकल जाएंगे हम लोग जमुई। आज भी हम लोग जमुई जाएंगे और जमुई जाके तुरंत अपना गाड़ी खाली करा के वापस हम लोग को आ जाना है, और फिर से कल अपना गाड़ी लोडिंग कर लेना है। बाकी हम लोग को कंफर्म कर दिया अभी से कि कल भी हमारा गाड़ी लोडिंग होगा, और लेकिन जमुई है तो आरा होगा, हम लोग का भाड़ा कंफर्म हो गया आज ही। तो चलिए पहले पहुंचते हैं वहां लोडिंग पॉइंट पर। अभी हम पहुंचे सिंघानी चौक, और रास्ता बहुत ज्यादा भी खराब है, इसमें भी काम चल रहा है, देखिए पूरा यहाँ ओवर ब्रिज का काम चल रहा है। अभी अपना गाड़ी लोडिंग कर ली और यहाँ खेत से निकल रहे हैं अभी, और आप लोग को दिखाते हैं हाईवे पर कि कितना अपना गाड़ी लोड हुआ है। तो अपना गाड़ी देखिए पूरा वैगन अभी लोड हो गया है, इसमें जितना ही लोड हुआ है, और ज्यादा हाइट भी नहीं गया गाड़ी में मेरा, और अपने गाड़ी में आज ज्यादा माल भी नहीं है, मात्र 26 क्विंटल माल है। देखिए इतना पीछे से भी ज्यादा हाइट नहीं गया, और इसमें तिरपाल भी कर लिए ताकि माल गिरेगा नहीं। अभी यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हम लोग को जल्दी जाना है, क्योंकि रात में ये वाला माल दूसरा गाड़ी में पलटी होगी, इसलिए हम लोग को जल्दी भी जाना है। तो अभी हम लोग यहाँ से अपना सफर पर निकल गए, नेशनल हाईवे पर भी चढ़ गए, इधर अपना भोलुक भी ले लिया। तो भोलुक कहाँ जाना है आज? जमुई मंडी। आज भोलुक जाएगा जमुई मंडी। तो अभी हम लोग पेट्रोल पंप पर जाएंगे, तेल ले लेंगे और फिर खाना खाने के लिए भी रुकेंगे। तो चले पहले चलते हैं पेट्रोल पंप, क्योंकि अपना तेल देखिए इधर ब्लिंक कर रहा है, तो पहले पेट्रोल पंप में जाएंगे और तेल ले लेंगे। तो अभी हम लोग वहाँ से निकल के पंप में अपना तेल भी ले लिए, और अभी हम लोग जाएंगे होटल में खाना खाने के लिए, क्योंकि 9 बजने वाला है। और गोलू बोल रहा है कि सुबह से खाना नहीं खाया, आया था सो गया था गाड़ी से। तो हम लोग जाएंगे होटल में खाना ना खाएंगे, तो चलिए पहले होटल पहुँचते हैं। अभी हम लोग बगोदर में खाना खाएंगे, तो बगोदर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 20 किलोमीटर बचा है, तो बगोदर तो सबसे पहले बगोदर पहुँचते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग पहुँचे यहाँ टाटी जरिया, और ये टाटी जरिया है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ गुलाब जामुन के कारण। और इधर दोनों साइड पूरा होटल ही होटल है जहाँ की गुलाब जामुन मिलता है, और यहाँ का गुलाब जामुन बहुत फेमस है, जो कि इसका शाम का इस तरह का यहाँ का व्यू है। इसको पार करते हैं पहले, और हजारीबाग से विष्णुगढ़ तक का रोड जो है कि बहुत ज्यादा खराब है, जिसमें कि 1 घंटा से ज्यादा टाइम लग जाता है हम लोग का। अभी हम लोग अपने होटल पर पहुंच गए जहाँ की हम लोग खाना ना खाएंगे, तो यही होटल है, यहीं पर खाना खाएंगे। तो लगाते पहले अपना गाड़ी यहाँ पार्किंग में। तो इधर अपने होटल पर आ गए हैं, इधर भोलू का खाना भी आ गया अंडा करी, अपना भी ऑर्डर इधर आ गया मिक्स वेज, जो की है मिक्स वेज रोटी। तो अभी अपना खाना कंप्लीट करा लिया और अपना गाड़ी के पास आ गए हैं, इधर अपना गाड़ी लगाए हैं पार्किंग में, और अभी होटल से यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, और यहाँ से बगोदर 1 किलोमीटर है। हम लोग को सरिया भी टाइम से पहले पहुँचना है, नहीं तो वहाँ पर रेलवे फाटक गिर जाता है, जिसके कारण बहुत देर तक जाम भी लग जाता है रात में भी, वहाँ भी जल्दी पहुँचना है हम लोग को। और अभी हमारे सामने नेशनल हाईवे दिल्ली कलकत्ता रोड, आज हम लोग इस वाले हाईवे पर नहीं चढ़ेंगे, हम लोग सरिया बगोदर वाले रोड में जाएंगे, क्योंकि आगे 1 किलोमीटर से सीधा सीधा जाता है, तो हम लोग आज उसी वाले रोड में जाएंगे। जैसा कि कल आप लोग को बता रहे थे कि सरिया में बहुत खतरनाक जाम लगता है, तो इधर देखिए पूरा एकदम जाम लगा हुआ है, रेलवे फाटक को लेकर लगा हुआ है, और इधर एक ही गाड़ी है, और पूरा एकदम दूर तक एकदम पूरा जाम लगा रेलवे लाइन को लेकर, और यहाँ पर हमेशा जाम रहता है रेलवे लाइन के कारण। तो अभी देखते हैं कितना देर में खुलता है, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे, और यहाँ से पहले हम लोग को पहुँचना है चकाई। आज हम लोग पिछले वाले दिन से 2 घंटा पहले निकले थे, लेकिन फिर भी वही टाइम में आ गए हम लोग, क्योंकि एक जगह पर गाड़ी पलटा हुआ था, उसके कारण वहाँ पर रुक गए थे। तो अभी देखिए अभी रेलवे फाटक में भी जाम है, और कहीं फिर से ट्रेन नहीं आ जाए वरना फिर फंस जाएंगे, तो अभी फटाक से इसको पार कर लेते हैं जबरदस्ती इसको। तो अभी हम पहुँचे हैं चकाई चौक, और यहाँ से हम लोग को जाना है बाएँ, और अपना सफ़र यहाँ से सिर्फ 66 किलोमीटर बचा हुआ है जमुई का। देखिए बोर्ड है, यहाँ से 66 किलोमीटर अपना जमुई बचता है। तो यहाँ पर अभी रुकेंगे हम, गाड़ी को थोड़ा रेस्ट देंगे, क्योंकि टायर वगैरह अपना गर्म हो गया है। हजारीबाग से कंटिन्यू चल रहे हैं, सिर्फ बगोदर में रुके थे खाना खाने के लिए, उसके बाद कंटिन्यू गाड़ी घींच के ला रहे हैं। तो यहाँ पर अभी गाड़ी बंद करते हैं, तो यहाँ पर अभी रुकेंगे, थोड़ा गाड़ी को रेस्ट देंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे। यहाँ से सिर्फ 66 किलोमीटर बचा हुआ जमुई मंडी, और अभी तक कॉल भी नहीं आया पार्टी का, तो यहाँ पर रुक रहे हैं अभी, चाय पियेंगे, तब तक यहाँ पर गाड़ी का टायर भी ठंडा हो जाएगा, और यहाँ से वीडियो कंटिन्यू नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप लोग से मिलेंगे जमुई मंडी में।
क्योंकि ये वाला रोड ज्यादा सेफ नहीं है, इसलिए डायरेक्ट आप लोग से मिलेंगे जमुई मंडी में। तो अभी जमुई मंडी पहुंच गया। इधर भोलू रस्सी तिरपाल खोल रहा है गाड़ी का, तो यहाँ रस्सी तिरपाल खोलते हैं। तो इधर अपना तिरपाल खोल लिए, भोलू इधर रस्सी दे रहे हैं, यहाँ तिरपाल अपना बांधेंगे, अपना माल खाली करवाएंगे यहाँ से, उसके बाद भाड़ा किराया लेके निकलते हैं अभी डायरेक्ट। तो अभी रात का 3 बजे, अपना गाड़ी खाली हो गया है और हम भाड़ा वाड़ा भी अपना ले लिए, तो यहाँ से भी निकल रहे हैं हम लोग। और जमुई मंडी में बहुत ज्यादा मच्छर लगता है कि 6-7 पिकअप का मच्छर यहाँ पर छोड़ के चल गया गाइस, बहुत ज्यादा यहाँ पर मच्छर काटता है। तो अभी अपना भाड़ा वाड़ा सब कंप्लीट कर लिया, अभी यहाँ से निकल रहे हैं। तो अभी हम सिंगल वाला रोड में है जो कि चकाई जाता है, और देखिए इसमें है, और यहाँ से चकाई 45 किलोमीटर बचा हुआ है। तो भाई का गाड़ी है बंगाल नंबर, देखिए कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, एकदम पूरा खत्म हो गया है मेरा पूरा गाड़ी, एकदम खत्म हो गया भाई का, पूरा एकदम खत्म हो गया। तो भाई का गाड़ी स्टार्ट कर दिया हम लोग अपना गाड़ी से टान के। अभी भाई को अपने साथ बंगाल वाले रोड तक अपने साथ लाए थे, और अभी भाई बंगाल के लिए कट गए, हम लोग अपना झारखंड के लिए जा रहे हैं, देखिए इधर अकेले। और अपना घर यहाँ से 135-140 किलोमीटर बचा होगा। भाई का एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हो गया, तो भाई बता रहा था कि उनका एक्सीडेंट नींद के कारण हुआ था। तो आप लोग भी अगर गाड़ी चलाते थे नींद में गाड़ी मत चलाइए, और सिंगल भी मत चलाइए, डबल ड्राइवर लेके ही चलाइए। और भाई अकेला था और 2 दिन से लगातार अभी भी जगा हुआ था, तो अभी भाई को तो बंगाल वाला रोड में छोड़ दिए और अभी वो चल जाएगा। तो अभी हम लोग मिर्जापुर पहुंचे, मिर्जापुर मंडी है, देखिये पूरा जाम हो गया है, सुबह सुबह यहाँ पूरा जाम हो गया है। ये छोटा सा मंडी है लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ जाम लगता है। तो अभी हम लोग यहाँ जमुआ मोड़ पहुंचे हैं, और ये सीधा गिरिडीह जाता है, तो हम लोग यहाँ से दहने लेंगे हजारीबाग के लिए, और यहाँ से दहने लेने से कोडरमा भी जाता है और हजारीबाग भी जाता है। और अभी हम लोग को चाय भी पीना, तो देखते हैं कहीं होटल खुला होगा तो चाय पी लेंगे यहाँ पर। और यहाँ अभी सुबह सुबह चूल्हा जलने के कारण किसी भी होटल में भी चाय नहीं मिला, तो यहाँ से लोग निकल रहे। अभी सुबह का 7 बजे और हम बगोदर पहुंच गए, और अपने साथ देखिए आसनसोल वाला पिकअप हजारीबाग नंबर, जो कि एक ट्रिप आ रहा गया था अपने साथ में वो वाला है, क्योंकि भाई भी मिल गया तो भोलू उसी में है आगे आगे। और आज आने टाइम रास्ता में 4 जगह एक्सीडेंट हुआ था गाइस, जो कि बहुत खतरनाक था। 3 जगह पिकअप का एक्सीडेंट था जो कि बहुत खतरनाक था। एक जगह का तो वीडियो, बाकी 2 जगह का वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता पिकअप वालों को कमियां दिखाने का। तो चलते हैं अभी, अपना घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तो फिर निकल रहे हम लोग। यहाँ बगोदर पहुंचे, अपना घर यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, और अपना लोडिंग भी है आज, और अपने गाड़ी में ब्रेक भी कम ले रहा है, तो अपना गाड़ी भेजेंगे ब्रेक बनवाने के लिए, जो कि सुधीर भैया लेके जाएंगे, और हमारे गुरु घर में जाके सो जाएंगे और सुधीर भैया जाएंगे ब्रेक बनवाने के लिए। तो अभी फाइनली हम कनारी हिल के सामने हैं, देखिए कनारी हिल पहुंच गए हैं, और यहाँ से अपना घर ज्यादा दूर नहीं है। और अपना घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, अपना घर यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर है। तो इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और ढेर सारा कमेंट भी कीजिए, और वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, और फुल सपोर्ट वीडियो पर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू गाइस, लव यू गाइस।